और इस बीच मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में एक नई खबर यह है कि 22 कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। भोपाल में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक और इस बैठक में अब आगे की रणनीति क्या होगी तस्वीर साफ होगी। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो संकट है वो लगातार बढ़ गया है। सिंधिया समर्थक विधायक लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। 22 विधायकों ने कमलनाथ का साथ छोड़ दिया। शाम 6 बजे सिंधिया बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। सिंधिया ने अपना जो इस्तीफा है वो सौंप दिया है कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा कह रहा है कि उनको निकाल दिया गया, लेकिन अब तस्वीर जब धीरे धीरे बदलते हुए साफ होनी शुरू हो रही है तो ऐसे में हम ये देख पा रहे हैं कि 22 विधायक मुख्यमंत्री कमलनाथ का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये मान चुकी है, अधीर रंजन चौधरी का जिस तरीके से स्टेटमेंट आया कि अब ये सरकार बचेगी, इसके हालात दिखाई देते नहीं हैं। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है और अब 22 विधायक तो सीधे सीधे अलग हो गए हैं एक तरीके से, कांग्रेस छोड़ चुके हैं। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अब बचे हुए विधायकों में कितने विधायक इस बैठक में पहुंचते हैं, क्योंकि यहां से भी बहुत कुछ साफ होगा। क्योंकि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि जो आएगा पार्टी में उसका स्वागत है, बीजेपी के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। तो ऐसे में 22 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो तो कमलनाथ का साथ छोड़ चुके हैं। सिंधिया समर्थक एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। ये देखिए 22 संख्या हो चुकी है, 22 विधायक कमलनाथ का साथ छोड़ चुके हैं और लगातार ये जो संकट है मध्य प्रदेश में वो लगातार बना हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस कमलनाथ, ये जंग जो कांग्रेस के अंदर खाने शुरू हुई थी अब धीरे धीरे बड़ी कैनवास पर जब उभर रही है तो हम उसमें देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जा रही है और भाजपा की सरकार एक तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें होना क्या है? होना यह है कि आज शाम तक ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है, कांग्रेस से वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस का एक धड़ा जहां उन्हें अब गद्दार कह रहा है, उन्हें उन पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बाहें फैलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो चुकी है, अमित शाह के साथ खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। प्रदीप कुमार इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़ गए हैं। अब प्रदीप, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम बदल रहा है उसमें अब हम ये देख पा रहे हैं कि थोड़ी देर में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक होनी है विधायक दल की, लेकिन 22 विधायक इस बीच कमलनाथ का साथ छोड़ चुके हैं। ये बैठक क्या इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अभी कितने और विधायक इस बैठक में शामिल होते हैं, कितने और साथ छोड़ देते हैं, आगे की रणनीति क्या समझ में आ रही है? देखिए, इस्तीफा देने वाले 22 विधायकों में 6 मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि 6 मंत्रियों को लेकर उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, ये जानकारी राज्यपाल को कमलनाथ ने भेजी थी। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश का संकट गहराया हुआ है उसमें बड़े सवाल खड़े हुए हैं। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जो मध्य प्रदेश का घटनाक्रम है वो सीधे तौर पर दिखाई देता है, गेंद जो है अब बीजेपी के पाले में है। क्योंकि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो उनके समर्थक 22 जो इस्तीफे हुए हैं वो उनके पाले में दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए सरकार बचाने की चुनौती जिस तरीके से जूझ रही है उसमें उसकी मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम बताया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया था, जो उनके करीबी लोग हैं उन्होंने ये दावा किया था कि करीब 40 विधायक उनके साथ हैं। तो ये जरूर है कि बीजेपी ने पूरे गेम प्लान के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ जोड़ा है और जो 7 बजे बैठक होने वाली है विधायक दल की बीजेपी की, उसमें भी रणनीति बनाई जानी है। तो ये जरूर है कि सीधे तौर पर दिखाई देता है मध्य प्रदेश का घटनाक्रम। जबकि अब राज्यपाल को अगर वो समझते हैं कि अल्पमत में है तब निश्चित तौर पर सदन में बहुमत साबित करना होगा। 16 तारीख से जो सत्र शुरू होगा उस दौरान अविश्वास प्रस्ताव मूव करेगी बीजेपी, ये रणनीति दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले अगर सरकार गिर जाती है, अल्पमत में आ जाती है, तब सरकार बनाने का दावा भी पेश करने की कोशिश बीजेपी की ओर से रहेगी। तो ये जरूर पूरा घटनाक्रम जो है पल पल बदल रहा है और इसमें दिखता नहीं है कि कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में बच पाएगी। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप इस बीच बीजेपी भी एक बैठक करने वाली, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही, लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक तो थोड़ी देर में ही होगी। शाम 6 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच प्रदीप, अगर हम संख्या
देखें विधानसभा की है, 22 विधायकों ने साथ छोड़ दिया, ऐसे में अल्पमत में तो सरकार आ गई है और संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी अभी पूरी तरीके से बात पत्ते खोल नहीं रही अपने। देखिए आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ 2 विधायकों का निधन हो चुका है। इस तरीके से मौजूदा विधानसभा की जो मौजूदा शक्ति है वो 228 हो गई है। कांग्रेस के पास अब तक ये दावा वो कर रहे थे कि 121 विधायकों का समर्थन है, जो हमने पिछले दिनों दिग्विजय सिंह से बात की थी तब उन्होंने कहा था कि 124 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन अब कांग्रेस के पास जो विधायकों की संख्या है वो आंकड़ा घट गया है। सीधे तौर पर 22 विधायक उनके पाले में दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी सीधे तौर पर देखें तो बीजेपी के पास अपने 107 विधायक एकजुट हैं। ये जरूर दिखाई दे रहा है कि 21 विधायकों ने अगर इस्तीफा दे दिया है तो अब विधानसभा का गणित जो है वो 207 का रह जाएगा। इसके लिहाज से बहुमत के लिए 104 विधायकों की जरूरत होगी। तो सीधे तौर पर ताजा ताकत के हिसाब से बीजेपी कांग्रेस के आगे खड़ी हुई दिखाई दे रही है और उसके पास सरकार बनाने का मौका दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है ऐसे में कांग्रेस सरकार सीधे तौर पर अल्पमत में आ गई है और ये कर्नाटक का तर्ज आपको याद होगा, कर्नाटक में भी इसी तर्ज पर इस्तीफे हुए थे और उसके बाद वहां पर येदियुरप्पा सरकार की वापसी हो गई थी, फिर उपचुनाव कराया गया था उन सीटों पर और वहां पर वो बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। तो यही रणनीति महाराष्ट्र यहाँ मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। लिहाजा ये गणित समझना होगा आपको कि जो पूरा गेम प्लान तैयार हुआ उसके मुताबिक ही यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है मध्य प्रदेश का संकट। कांग्रेस सरकार बचा पाएगी नहीं सीधे तौर पर यह दिखाई दे रहा है, यानी गणित जो है उसके पाले में नहीं है और विधायकों के इस्तीफे के बाद ये तस्वीर साफ हो रही है कि कांग्रेस सरकार अब अल्पमत में आ गई है, लिहाजा उसकी विदाई तय मानी जा रही है। लेकिन प्रदीप, चूंकि मध्य प्रदेश में ये ठीक है कि कर्नाटक पार्ट टू हो रहा है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उसमें वो कामयाब भी हुई, अगर विधायकों के इस्तीफे हुए तो बाद में वो जीत कर भी आए और उसके बाद सरकार में हिस्सा भी बने और बी एस येदियुरप्पा प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद अब क्या कांग्रेस के लिए एक संकट राजस्थान में भी हो सकता है? वहां भी सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत दिखाई दे रहा है बहुत दिनों से। देखिए बिल्कुल, और ये निश्चित तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें अब राजस्थान में जरूर बढ़ेगी, जिस तरीके से वहाँ जो संघर्ष दिखाई दिया है सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत, कमोबेश यही परिस्थिति यहाँ पर बनी थी मध्य प्रदेश में और जिस तरीके से दोनों युवा नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना रास्ता तय कर लिया ये, लेकिन एक बड़ी खबर ये भी आई कि जब कल उन्होंने मुलाकात की थी, ये संक्षिप्त मुलाकात बीजेपी नेताओं से कर रहे थे जब दिल्ली में घटनाक्रम बदल रहा था, तब उनकी सचिन पायलट से भी मुलाकात हुई थी। तो ये मुश्किल बढ़ाने वाली बात है, हालांकि सचिन पायलट ने ट्वीट किया था और ये कहा था कि संकट सुलझ जाएगा, लेकिन संकट सुलझा नहीं और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के पाले में खड़े हैं, वो देर सवेर बीजेपी ज्वाइन भी करेंगे। हमारे सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि उनको मंत्री पद का भी केंद्र सरकार में ऑफर है, राज्यसभा से उनको भेजा जाएगा। ये जरूर है कि ये तमाम औपचारिकताएं बची हैं इस्तीफे के बाद, अब कुछ कहने के लिए नहीं बचा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी कांग्रेस, ये तमाम चीजें अब पटाक्षेप हो गया है। इसी के साथ अब नई पारी खेलने के लिए तैयार है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे में कमोबेश जो परिस्थितियां हैं उनके जाने के बाद, कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट की बात करें, हरियाणा से विधायक हैं वो, उन्होंने भी दुख जाहिर किया और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर बहुत जबरदस्त इस वक्त हलचल है, खासतौर से जूनियर और सीनियर नेता का जो संघर्ष दिखाई दिया है पिछले दिनों उसमें कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तीफा अब नया संकट खड़ा करेगा। और जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब भी देर सवेर जरूर मिलेगा, सचिन पायलट जिस तरीके से नाराज हैं, क्या उनकी नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी अब कोई बड़ा फैसला करेगी, ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल वक्त है ये, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जाती दिख रही है। प्रदीप, ये जो बैठक अभी होने वाली है कांग्रेस विधायक दल की, इसमें क्या हम ये मानकर चले, चूंकि संख्या बल के आधार पर तो तस्वीर बहुत साफ हो गई है कि अब कांग्रेस फ्रेम से हट रही है, तो अब ये एक तरीके से आखिरी बैठक के तौर पर देखा जाए, यहाँ पर रणनीति साफ हो जाएगी, इस्तीफा देना है या क्या करना है? देखिए बिल्कुल, ये कोशिश की हुई थी, ये पूरे दांव पेच अभी तक चले जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है जो विधायक संपर्क में नहीं है उनके रिश्तेदारों के जरिए उनसे संपर्क जोड़ा जाए, लेकिन सीधे तौर पर पूरा गेम प्लान तैयार हुआ और उसके बाद ही ये इस्तीफों की खबरें सामने आई है। तो अब लगता नहीं है कि बाजी पलट पाएंगे यहाँ पर कमलनाथ या दिग्विजय सिंह, हालांकि वो भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, ऐसे में अंतिम पलों में क्या होगा मध्य प्रदेश की सियासत में, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होता है और सदन में ही बहुमत साबित होता है, तो ये
अगर मौका मिलता है तो ये निश्चित तौर पर तब गेम खुल जाएगा और ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदल सकती हैं क्योंकि आमने सामने विधायक होंगे। लेकिन अगर इस्तीफा दे रहे हैं विधायक और वो सामना भी नहीं करना चाहते, पार्टी भी छोड़ रहे हैं, बिसाव साहब ने तो पार्टी भी छोड़ी है, तो ये मुश्किल बढ़ा रही है ये चीजें कांग्रेस के लिए। सदन की संख्या कुल मिलाकर वो घट जा रही है और उसके हिसाब से उनको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, ये दिखाई देता है। चलिए शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मध्य प्रदेश में जो सियासी घटनाक्रम है धीरे धीरे जिस तरीके से बदल रहा है, अब उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस फ्रेम से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस के लिए दरअसल बहुत कुछ अब बचा नहीं है मध्य प्रदेश में। 22 विधायकों ने कमलनाथ का साथ छोड़ दिया है। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो संकट है वो लगातार बढ़ रहा है। खबर ये भी है कि एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। धीरे धीरे ये संख्या क्या अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक हो रही है वो बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है कि इस बैठक में कितने विधायक पहुंचते हैं। 22 विधायकों ने तो इस्तीफा दे दिया है, क्या ये संख्या और बढ़ेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी और करना होगा।